अल्लाह के इस नेक बच्चे को हिंदुस्तान के इतिहास में भगवान की तरह पूजा जाता रहेगा। जहां एक तरफ शराफत और इंसानियत दम तोड़ रही हो, जात पात का जहर हर किसी के खून में घुल चुका हो, हर कोई एक दूसरे को बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हो, वहीं दूसरी तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबकी आंखों के तारे रहे हैं। एक फरिश्ता जिसने लोगों को जीने का अलग तरीका सिखाया, एक साधारण इंसान होकर असाधारण काम कर गए। इन्होंने हिंदुस्तान को जो दिया उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। बड़े बड़े देशों के सामने हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मनवाने वाले, दुनिया को बदलने वाले लोग किसी खास माहौल में पैदा नहीं हुआ करते, बल्कि ऐसे लोग जहां पैदा होते हैं वहां के माहौल को ही खास बना दिया करते हैं। वक्त से हार मानने वालों की सोच को बदलते हुए ऐसे आयाम स्थापित किए कि वक्त भी उनके सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गया। भारत के 24 कैरेट के कोहिनूर हीरे यानी भारत के सच्चे रत्न अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को शत शत नमन। खुशनसीब हैं हम जो उनके द्वारा किए गए आविष्कार और महान कार्य हमारे बीच हमेशा उन्हें अमर बनाए हुए हैं। दुनिया की इस भीड़ में हर कोई सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। ऐसे अपवाद ही हो सकते हैं कि कोई देश की हर समस्या को अपनी समस्या माने। ऐसे आदर्श जो युवाओं को देश के विकास की राह पर चलना सिखाया करते थे। एक सीधा साधारण सरल व्यक्तित्व का धनी, या फिर यूं कहें कि एक साधारण व्यक्ति का असाधारण व्यक्तित्व, क्योंकि राजनीति से दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं था। आज के युग में रक्षा विभाग में उनके योगदान की वजह से उन्हें मिसाइल मैन और आजाद भारत की जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक उनका सफलतम कार्यकाल रहा। अपने आप को बूढ़ा समझकर सामान्य लोग आराम की राह चुना करते हैं, वहीं 2007 यानी राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए और अपने द्वारा किए गए अनुभव को चारों ओर बांटने की ठानी। कई जगहों पर प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दी, अपना कीमती समय नवयुवकों यानी देश की युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन में लगा दिया। इंसानियत के नाते मानव कल्याण व मनुष्य जीवन को और सफल बनाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह पद उन्हें टेक्नोलॉजी व साइंस में उनके विशेष योगदान को देखते हुए दिया गया। साथ ही वे जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता यानी इंजीनियर के रूप में भी विख्यात थे। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर कलाम साहब का कहना था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कहते हैं कामयाबी किसी को इतनी आसानी से नहीं मिला करती। कलाम साहब के भी संघर्ष का ही परिणाम थी उनकी कामयाबी। सीखना उनकी जिंदगी का पहला उसूल था। उनकी शब्दावली में घमंड जैसे शब्द की कोई जगह नहीं थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम के एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था।
पिता जैनुल अब्दीन नाव चलाते थे, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर ले जाया करते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं हुआ करती थी। कभी कभी तो दो वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता था, जिसके चलते कलाम साहब को छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। स्कूल से आने के बाद परिवार की आर्थिक मदद के लिए वे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन बेचने का काम किया करते थे। बावजूद इसके उनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहा। उनके अंदर कुछ नया सीखने की भूख हमेशा रहती थी। पास के ही साधारण स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। अपने पढ़ने लिखने की शौक की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आर्थिक स्थिति खास ना होते हुए भी घर वालों ने कलाम साहब का मनोबल बनाए रखा। आगे की पढ़ाई के लिए वो सन 1950 में मद्रास आ गए। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान, या फिर अंग्रेजी में कहें एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा वैज्ञानिक के तौर पर चुना गया। भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर की डिजाइन तैयार करते हुए उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। DRDO में एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता था। एक सीमित काम होने की वजह से कलाम साहब को वहां संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। लंबे समय तक यहां काम करने के बाद उनका ट्रांसफर भारतीय अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में हो गया, जहां उन्हें भारत के सैटेलाइट परियोजना के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे कलाम साहब ने सफलतापूर्वक निभाया। उन्हें लगने लगा था कि वो इसी काम के लिए बने हैं, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया को यह बताते हुए कि भारतीय किसी से कम नहीं होते, उन्होंने भारत को एक एक करके कई शक्तिशाली मिसाइलें दी। परिणाम यह हुआ कि विश्व पटल पर भारत को मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाने लगा, या कहें एक नई पहचान मिली। 27 जुलाई 2015 वो मनहूस घड़ी, जब शिलोंग में युवाओं के साथ अध्ययन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कलाम साहब का निधन हो गया। यकीनन उन्हें जन्नत नसीब हुई होगी। उनका कहना था, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। धन्य है हिंदुस्तान का हर नागरिक, खुश नसीब है हमारा देश भारत, जो ऐसी महान आत्मा ने हमारे इस देश में जन्म लेकर पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर दिया और सबको बताया कि अगर चाह हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। बिना युद्ध किए सबको अपनी प्रतिभा का गुलाम बना लेना, ऐसा युद्ध कौशल कलाम साहब को भली भांति आता था। 40 यूनिवर्सिटीज द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों द्वारा उन्हें नवाजा गया। सपने अगर खुली आंखों के हों तो उनका पूरा होना तय होता है। काश के हमें भविष्य के युवाओं में भी कलाम साहब के जैसी विचारधारा, उनकी तरह कर्तव्य निर्वाह करने वाला कोई शख्स मिले। काश के भारत के आने वाले स्वर्णिम इतिहास के हर पन्ने पर कलाम साहब जैसी शख्सियत के हस्ताक्षर हो। ऐसा जीवन जीना क्या किसी के लिए संभव है? आम जनता के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, शिक्षक, फिलोसोफर और सच्चे हिंदुस्तानी, अनेकता में एकता की मजबूत मिसाल, समस्त भारत को एक धागे में पिरोने का काम करने वाले मां भारती के लाडले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को सलाम। लगा ना सका कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।